वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 10 अगस्त को आज एसएससी सीएचएसएल के तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों के क्वेश्चन देखेंगे और इसका पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाएगा। ये हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉर्निंग में जो क्वेश्चन थे उसमें बहुत सारा सुधार की ज़रूरत थी, तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बताए। मणिपुर का राजकीय फूल पूछा गया है लिलियम मैकलिनी, ठीक है। विद्युत धारा की खोज सबसे पहले किसने की, ये सवाल पूछा गया। ऑप्शन में फैराडे भी दिया गया था, तो करेक्ट आंसर फैराडे होगा। नागरिकता के देखिए, सबसे पहले विद्युत धारा की जो खोज का विचार है वो इन्हीं के मन में आया था और इन्होंने ही स्टार्ट किया था। नागरिकता के अधिकारों को बना रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10। इसके बाद सवाल पूछा गया 2020 में किस महीने को पोषण पोषण माह बताया गया, तो ये बताया गया सितंबर महीने को। निक्षय पोषण योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले साल भी कई एग्जाम के अंदर जो है वो निक्षय जो पोषण योजना है ये पूछा गया था, और ये टीबी से संबंधित है। टीबी रोग यानी क्षय रोग से संबंधित है ये निक्षय पोषण योजना। इसके अंतर्गत सरकार जो है वो 6 महीने तक 500-500 रुपये जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है टीबी के रोगियों के लिए, और इनके इलाज के लिए इनको जो दवा की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए 500-500 रुपये प्रति माह के जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। अगला सवाल है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। देखिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के लिए यानी मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर इसका आंसर होगा। और अगर इसको डिटेल में नाम याद रखना है तो प्रत्यूष कंप्यूटर आप याद रखिएगा, प्रत्यूष कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। अगला सवाल है विंडोज़ 10 में कौन सा जो है की है जिससे आवाज़ बढ़ाया जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि F8 दिया गया था, तो देखिए हमने बताया ना विंडोज़ 10 के अंदर, मैं भी विंडोज़ 10 ही यूज़ कर रहा हूँ, और हमारे पास जो लैपटॉप है लेनेवो का लैपटॉप उसमें F3 से हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यानी अगर फंक्शन की 3 हम करें तो फिर उससे वॉल्यूम बढ़ती है। तो अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग देखा है हमने। HP के लैपटॉप में हमने बताया था आपको कि F7 F8 से वॉल्यूम कम और ज़्यादा होती है। मेरे वाले लेनेवो का जो लैपटॉप है इसमें F3 और F2 से होती है। तो ये सब अलग अलग है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें अभी तक नहीं मिला। भारत में पहला स्टील और आयरन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया, तो ये जमशेदपुर में होगा। 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था, ऑप्शन में नागालैंड था, नागालैंड करेक्ट आंसर हो गया। BCCI की 88th AGM मीटिंग जो 2020 में हुई थी वो कहां पर हुई थी, तो ये अहमदाबाद में हुई थी। 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने देश की प्रथम युवा राजदूत किस एथलीट को बनाया था, हीमा दास को बनाया गया था युवा राजदूत, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा सन 2018 में। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल से। और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का वन क्षेत्रफल जो है वो 0% है। मॉर्निंग में इस क्वेश्चन में त्रुटि थी, अभी इसको ठीक कर दिया गया है। यूनियन टेरिटरी पूछा गया है कि किस राज्य का जो कौन ऐसा यूनियन टेरिटरी या राज्य है जिसमें वन क्षेत्रफल यानी वन जो है वो 0% है, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मांड गाय की किस राज्य में प्रचलित है, ये राजस्थान की है मांड गाय की। और 2020 तक सर्वाधिक राजमार्ग जो है वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। CSIR और CMER के द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, सबसे जो सौर ट्री जिसको सोलर ट्री हम लोग कहेंगे, तो ये सौर ट्री जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, सादत रहमान को दिया गया। 1953 ईस्वी में गठित मैसूर राज्य का वर्तमान नाम क्या है, तो मैसूर का वर्तमान जो नाम है वो है कर्नाटक, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखते हैं। G20 सम्मेलन 2020 में जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। इसके बाद देखिए अगला सवाल है पेड़ का संबंध जो है वो किससे है, यानी पूछा है कि स्वपोषी है या परपोषी है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मलिकाए गज़ल ये किसको कहा जाता है, मलिकाए गज़ल कहा जाता है बेगम अख्तर को। इसके बाद देखिए शिफ्ट प्लस अल्ट की से क्या होता है, देखिए जो ये लैपटॉप अभी हम लोग विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हमने नॉर्मली विंडो स्क्रीन पर जो नॉर्मल स्क्रीन है उस पर हमने शिफ्ट और अल्ट की प्रेस की, तो इससे भाषा चेंज होती है। अगर आपने के कंप्यूटर में इंग्लिश भाषा के अलावा भी कोई भाषा है, या अगर इंग्लिश की भी अगर दो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं जैसे कि एक इंडियन
और एक यूएसए, ठीक है। तो अगर आप ये करते हैं तो अगर आप शिफ्ट और अल्ट दबाएंगे तो इंग्लिश यूएसए पर अगर है पहले से तो वो इंग्लिश इंडिया पे चला जाएगा, और अगर इंग्लिश इंडिया है तो वो यूएसए पे चला जाएगा। जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा यूज़ करते हैं तो हम शिफ्ट करते हैं तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पर जो है वो कन्वर्ट चेंज हो जाता है शिफ्ट प्लस अल्ट के साथ। अब सवाल किस तरह से था, किसी जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में पूछा गया है, एमएस वर्ड के अंदर पूछा गया है, एमएस एक्सेल के अंदर पूछा गया है, पावर पॉइंट के अंदर पूछा गया है, किस में पूछा गया है, या फिर नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर सिंपल पूछा गया है। बर्न शुगर गर्ल इन व्हाइट कॉटन, ये एक बुक है बर्न शुगर, ये पुस्तक के लेखक कौन है, अवनी दोषी इसका आंसर हो जाएगा। देव दिवाली उत्सव जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में मनाया था, इससे संबंधित भी एक सवाल पूछा गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। विश्व थायराइड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। देखिए करंट अफेयर्स को लेकर हमने जो है 850 क्वेश्चन का वन लाइनर एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया है आप सबको, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे दिया है जिसमें 850 पीडीएफ आपको मिलेगा। ये पीडीएफ जो है आप 25 रुपीज़ पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का ये पूरा वन लाइनर संग्रह है जिसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। अगर फ्रंट और बैक दोनों पेज पर कराएंगे तो 18 पेज के अंदर ये प्रिंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है, नल्लमला पहाड़ियां जो है वो आंध्र प्रदेश में है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड पूछा गया है कि किसे नहीं दिया गया, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए थे नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन। तो देखिए नरेंद्र मोदी को भी दिया गया, शिंजो आबे को भी दिया गया, स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया, सबको 2020 में दिया गया। कब दिया गया, 2020 में दिया गया, एक ही साथ दिया गया है तीनों को, और यहाँ पर बोरिस जॉनसन को नहीं दिया गया, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का क्या नाम था, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता, कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, देखिए ये जो टीम भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता है ये 41 साल बाद जीता है किसी ओलंपिक के अंदर, जो भारतीय हॉकी टीम है हॉकी के में भारत ने कोई भी पदक जो है 41 साल के बाद जीता है, ये याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। इसके बाद सवाल है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसको क्या कहते हैं, वो जो लिक्विड है उसको हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछी गई थी, मौलिक कर्तव्य की संख्या यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने हैं, कमेंट करके आप सब बताइए मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, क्योंकि आपसे वो सवाल जरूर पूछा जाएगा। और पहले मौलिक अधिकार कितने थे, दोनों आंसर कीजिएगा इस अच्छी तरह से लिख करके आपको करना है कि पहले कितने थे और अभी कितने हैं, पहले जो थे वो कितने थे और अभी वर्तमान में कितने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या एक कम मिलेगी आपको वर्तमान में पहले से, तो दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कौन थे, पाल वंश के राजा जो धर्मपाल थे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के फाउंडर थे। फेडेक्स कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। अगला सवाल है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने और कब शुरू की थी, तो ये शुरू की गई लागू की थी लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, हैरी केन ने जीता था ये गोल्डन बूट का अवार्ड, और फाइनल में आपको मालूम होना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था, किसको हराया था, क्रोएशिया को। अब शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज पूछे गए हैं 10 अगस्त को। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनेगा, ओडिशा के अंदर बनेगा। इसके बाद सवाल है सुनील गावस्कर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, एक बुक दी गई थी वहां पर रन्स एंड रुइंस, ठीक है, रन्स एंड रुइंस जो है ये पुस्तक सुनील गावस्कर की है। किस शासक का संबंध तुलुव राजवंश से था, तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, हमने आपको कल भी बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह के जितने भी हैं 2019 और 2020 आप दोनों को अच्छी तरह से याद रखिए क्योंकि इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, और देखिए वही सवाल फिर यहाँ पूछ दिया गया। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को मिला, इमैनुअल शार्पेंजी और जेनिफर डाउना को।
इन दोनों में से एक का ही नाम ऑप्शन में दिया गया था, दूसरे का नहीं था। तो अगले शिफ्ट में हो सकता है आपसे जेनिफर डाउना भी दे दिया हो। इसके बाद जो है रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। रूमी दरवाज़ा जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पर लॉन्च किया गया? बांधव टाइगर रिजर्व में जो है इसको लॉन्च किया गया। ये करंट अफेयर्स में हमने आपको कई बार रिवाइज कराया हुआ है। करंट अफेयर्स की हमारी डेली वीडियोस जरूर देखा कीजिए, किसी न किसी टॉपिक पर टॉपिक वाइज वीडियो अब रेगुलर अपलोड हो रही है। और पिछले 6 महीने का 7 महीने का करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। फिंगर मिलेट रागी या मंडुआ कहाँ उगाया जाता है? ये फिंगर मिलेट्स या रागी या मंडुआ जिसको कहते हैं, ये एक फसल है। इसको कहाँ पर उगाया जाता है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और बिहार के भी कुछ हिस्सों में इसको उगाया जाता है। तो ऑप्शन किस तरह से था आपके एग्जाम में वो देख लीजिए। अगला सवाल यहां पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, आपको यहां पर आंसर करना था। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अवार्ड, सर गारफील्ड अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। इसके बाद है, केंद्रीय स्तर पर जो है दूध का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2021-22 के बजट में, ये जो यूनियन बजट था 2021-22 का, इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक दूध का जो उत्पादन है इसको डबल किया जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए ये पूछा गया है। इसके बाद देखिए, राजस्थान में खेती करने के समय फसल बोते वक्त जो है वो कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा गीत गाया जाता है। 2003 एशियन चैंपियंस में, चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता था? कुछ लोग कह रहे हैं 2003 ओलंपिक का सवाल पूछा। देखिए 2003 में ओलंपिक हुआ ही नहीं, 2003 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी और उसमें कांस्य पदक जीता था सुशील कुमार ने। ठीक है, क्योंकि हर 4 साल पर ओलंपिक होती है, आपको आपको पता है। अभी 2020 वाली ओलंपिक हुई है, अब उसके बाद अगर उससे पहले 4 4 साल पीछे जाएंगे तो 2003 आता नहीं है। 2003 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें कांस्य पदक सुशील कुमार ने जीता था कुश्ती में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन भारत आया था? अल बरूनी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, सन 2000 में कौन से राज्य की स्थापना नहीं हुई थी? हमने उस दिन आपको बताया था ना, एक दिन पूछा गया था क्वेश्चन कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो उसी दिन हमने आपसे बताया था कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने थे और वो 3 राज्य कौन कौन थे हमने आपको बताया था। एक का आपको हमने नाम नहीं बताया था और कहा था कि आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए उसी पर बेस्ड ये सवाल पूछा गया है, 2000 में कौन से राज्य की स्थापना नहीं हुई? तो तेलंगाना की स्थापना 2000 में नहीं हुई थी, बाकी सबकी, झारखंड की, उत्तराखंड की और छत्तीसगढ़ की, तीनों की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।